नमस्कार, मैं अल्ताफ और आप देख रहे हैं द कंटाव। क्रूज ड्रग्स केस और मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान की गिरफ्तारी समेत कुल 6 केस अब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के हाथ से ले लिया गया। अब इस केस की जांच एनसीबी के डीडीजी ऑपरेशन संजय सिंह करेंगे। हालांकि इन केस से समीर वानखेड़े को हटाया नहीं गया है, वे आईपीएस संजय सिंह को लगातार इसमें सहयोग करते रहेंगे। इसकी पुष्टि एनसीबी के मुंबई विंग के आधिकारिक बयान में किया गया। एनसीबी ने संजय सिंह के अगुवाई में एक एसआईटी गठित की है। ये टीम आज ही दिल्ली से मुंबई पहुंच रही है। कहा जा रहा है कि नवाब मलिक की ओर से एनसीबी पर लगाए आरोप के बाद अपनी साख बचाने के लिए एनसीबी ने अपने सबसे तेज तर्रार अधिकारी को मैदान में उतारा है। कहा जा रहा है कि अब इन केस में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो यहाँ आपको बताते हैं कि संजय सिंह कौन है और उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई है। संजय सिंह 1996 बैच के उड़ीसा कैडर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। उन्होंने कई अहम पद संभाले हैं। उन्हें उड़ीसा पुलिस में एडिशनल कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। इसके बाद उन्हें उड़ीसा पुलिस में ही आईजी की जिम्मेदारी भी दी गई। उनके शानदार काम को देखते हुए सरकार ने उन्हें सीबीआई में डीआईजी के रूप में नियुक्त किया कर दिया। अभी वो एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। संजय सिंह कई बड़े ड्रग्स केस की जांच कर चुके हैं, इसलिए उन्हें ड्रग्स केस एक्सपर्ट भी कहा जाता है। उन्होंने उड़ीसा कमिश्नर में ड्रग्स विरोधी टास्क फोर्स की अगुवाई भी की है। वहीं एनसीबी के संजय सिंह को अपॉइंट करने पर समीर वानखेड़े ने अपनी सफाई में कहा है कि आर्यन खान केस की जांच से उसे हटाया नहीं गया है। कोर्ट में मैंने खुद याचिका दायर कर इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की थी, इसलिए आर्यन और समीर खान केस की जांच अब दिल्ली एनसीबी की एसआईटी करेगी। ये दिल्ली और मुंबई की एनसीबी टीमों के बीच एक समन्वय है। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से 6 केस हैं जिसकी जांच संजय सिंह करेंगे। तो सबसे पहला केस हम सब जानते हैं, आर्यन खान ड्रग्स केस, जो कि कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में बना हुआ है। दूसरा केस है समीर खान केस, जो कि नवाब मलिक के दामाद है। इसके बाद है तीसरे नंबर पर अभिनेता अरमान कोहली ड्रग्स केस। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले अरमान कोहली को भी ड्रग्स केस में पकड़ा गया था और उन पर भी जांच चल रही है। चौथा है मुद्रा एमडी ड्रग्स केस। वहीं पांचवा जोगेश्वरी 1 केजी चरस केस का भी मामला संजय सिंह देखेंगे। और आखिर में डोगरी एमडी ड्रग्स केस की जांच भी संजय सिंह को सौंपी गई है। तो खैर, काफी गर्म माहौल के बीच आर्यन खान का क्रूज ड्रग्स केस समीर वानखेड़े से लेकर संजय सिंह को दे दिया गया है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस केस में अब कौन सा नया मोड़ आता है। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द कंटाव। धन्यवाद।